शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर की बैंकी कोर्ट में पेश। अदालत का एफआईए हुकाम को असल चालान जमा कराने का हुक्म। एफआईए हुकाम की जानिब से आज चालान पेश किया जाना था। अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है एफआईए हुकाम को कि असल चालान जमा कराया जाए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए, इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में अपूरी जमानत खत्म होने पर बैंकिंग जराइम कोर्ट की अदालत में पेश हुए और इस मौके पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के साथ मामले पर सख्त सिक्योरिटी भी इंतजाम किए गए थे। तो इस मौके पर एफआईए के वकील ने आज अदालत में ये कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मुकदमे का चलान तैयार कर लिया है और हम मुतलका अदालत के सामने चलान पेश करेंगे। वकील एफआईए ने अदालत पर ये दायरा इख्तियार पर इतराज उठाया और कहा कि इस अदालत का इस केस को सुनने का इख्तियार नहीं है। इस पर मौसी जज ने कहा कि दरख्वास्तें यहाँ चल रही हैं, आप कैसे किसी और अदालत में चलान जमा करवा सकते हैं। अदालत ने दुरुस्त मामलत ना करने पर एफआईए के वकील पर भरमी का इजहार किया और कहा कि एक इतराज मुतलका अदालत सुन के आपका इतराज मुतलका अदालत सुनकर फैसला करेगी तो आप यहाँ पर चलान जमा करवाएं। जिस पर वकील एफआईए ने कहा कि हमारे पास चलान की कॉपी मौजूद है लेकिन असल चलान जो है हम मुतलका अदालत में जमा करवाएंगे। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी लगाने के बाद उन्हें वापस रवाना कर दिया, जबकि एफआईए को कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मुकदमे का चलान फौरी तौर पर बैंकिंग अदालत में जमा करवाएं। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।